नमस्कार, इस समय आप सीधी तस्वीरें करनाल पुलिस के सीआईए वन कार्यालय से देख रहे हैं और हम आपको बताएं कि करनाल में लगातार चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही थी और बाइक चोरी के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करनाल पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने किया है। और आप देख सकते हैं कि 6 चोरों को 18 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ काबू किया गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल पुलिस के सीआईए वन कार्यालय से, जहां पर हम आपको बता दें कि आप तस्वीरें समय देख सकते हैं कि गैंग के 6 सदस्यों को 18 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ काबू किया है, जिसकी तस्वीरें समय आप करनाल पुलिस के सीआईए वन कार्यालय से देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा ने किया है। 6 चोर 18 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ काबू किए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। चल कोई बात नहीं, खड़ो खड़ो भाई, खड़े फटाफट चल आज बीच में तो चलो बीच में हो जाना सारे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं बाइक चोरी गैंग के सदस्य, सर 6 हैं या 5 थे, एक जेल भेज दिया, तो आप देख सकते हैं कि 6 सदस्य हैं, हालांकि एक को जेल भेज दिया गया और 5 गैंग के सदस्य इस समय यहां पर मौजूद हैं। आप मोटरसाइकिलें देख सकते हैं, तकरीबन मोटरसाइकिल्स जो हैं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल्स हैं। आप उनके नंबर देख सकते हैं, नंबर प्लेट्स चेंज कर दी जाती हैं। ये मोटरसाइकिलों की आप पहचान कर सकते हैं, जिस किसी की अगर मोटरसाइकिल है तो वो करनाल पुलिस से संपर्क कर सकता है। बाइक चोरी गैंग के 6 सदस्यों को 18 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ काबू किया है। इस समय लाइव तस्वीरें करनाल पुलिस के सीआईए वन कार्यालय से देख रहे हैं और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। ये तस्वीरें आप करनाल पुलिस के सीआईए वन कार्यालय से, बाइक चोरी गैंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर दीपेंद्र राणा हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, 18 चोरी की मोटरसाइकिल और 6 सदस्य जो हैं काबू किए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है इस बारे में? ऐसा ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने 6 चोर को गिरफ्तार किया है। हमारी एबीटी यूनिट ने जो व्हीकल थेफ्ट के बेसिकली वो करती है, तो उनसे टोटल हमने 18 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, जिसमें 14 करनाल की हैं और 4 अदर डिस्ट्रिक्ट की हैं। सर कहाँ से पकड़े गए हैं और उत्तर प्रदेश से इनके क्या संपर्क थे, क्योंकि तकरीबन चोरी की मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाते थे, क्या कुछ इस पर मामले में बताएं? ये बेसिकली थोड़ा सा नशेड़ी किस्म के युवक थे, जो पहले भी अर्लियर भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में रह चुके हैं, तो ये अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल इकट्ठी करते हैं, फिर इकट्ठे ही उनको लार्ज स्केल पे वहाँ यूपी में देते हैं। सर सालों से देखा जा रहा है कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ही सबसे ज़्यादा चोरी होती है, हालांकि कंपनी को भी जो है पुलिस की तरफ से कई बार लिखा जा चुका है कि इसके लॉक्स जो है मजबूत होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिरदर्दी पुलिस के लिए बन जाती है, चोरी होती है फिर उसको ढूंढा जाता है। क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे और लोगों से भी हम अपील करते हैं कि कम से कम इसके डबल लॉक जरूर लगाएं जिस पर किसी भी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है? मेन तो सबसे बड़ी खामी है कि इनका लॉक जो ईजिली वो खुल जाता है बेसिकली, और मोटरसाइकिल इजीली फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में भी आसान हो जाती है, तो लोग थोड़ा सा इस बात में थोड़ा अवेयर हों और मोटरसाइकिल को डबल लॉक लगाएं, तो शायद स्प्लेंडर चोरी की मोटरसाइकिलों में कमी आएगी। तो ये आपने देखा कि इंस्पेक्टर दीपेंद्र राणा सीआईए के जो नए इंचार्ज आए हैं, उन्होंने बताया कि 18 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 6 चोर जो हैं काबू किए हैं। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के इंचार्ज रोहतास कुमार भी यहाँ पर है, उनसे भी हम जानेंगे और हम आपको बता दें कि 18 चोरी की मोटरसाइकिलें और 6 चोरी गैंग के सदस्यों को करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा ने पकड़ा है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से ये चोरी करते थे, कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो पकड़े हमने चोरी, पहले भी मोटरसाइकिल चोरी में शामिल रहे हैं, इनको हमने
सूचना गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ लिया और इनसे पूछताछ करी, पुलिस रिमांड पर लिया। दौरान रिमांड इन्होंने 18 मोटरसाइकिल कबूली हैं, 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक कल जेल चला गया। तो कहाँ पर ये बेचते थे मोटरसाइकिल? इनको यूपी ले जाने का प्रोग्राम था, कभी यूपी ले जाकर बैठे बेचेंगे। वहाँ मेरठ में बताते हैं कि वहाँ मोटरसाइकिल व्हीकल ज़्यादा बिकते हैं। कटाई तकरीबन जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं वो स्प्लेंडर ही होती हैं, ऐसा क्यों रहता है? इसके लोग जो हैं आसानी से खुल जाते हैं, और लोगों से भी अपील करते हैं कि जो कोई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चलाता है कम से कम जो उसके जो लोग हैं वो डबल लोग जरूर लगाए जाएँ, क्योंकि आसानी से चोर जो है उसको चोरी कर जाता है। हाँ, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लोग ऐसा है जिसमें पुरानी चाबी स्प्लेंडर की लगती है और दूसरी मोटरसाइकिल ऐसी नहीं लगती, पुरानी तो चाबी है वो इस पर लग जाती है, इसको मास्टर की बोलते हैं फिर, लेकिन लोग भी इसका कमज़ोर है, पैर लगा के भी तोड़ देते हैं। कितनी मोटरसाइकिल पकड़ी है, कितने लोग हैं? ये 6 व्यक्ति हैं और 18 मोटरसाइकिल हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आज इनको कल जेल भेजा, रिमांड समाप्त तो कल जेल भेजेंगे, आज पेश कर डाल करके। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल पुलिस के CI1 कार्यालय से, और हम आपको बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, और जिस किसी की मोटरसाइकिल है उसकी आप पहचान कर सकते हैं। हम दोबारा से आपको मोटरसाइकिल की तस्वीरें दिखाएंगे, और हम आपको बताएं कि 18 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 6 चोरी गैंग के सदस्यों को करनाल पुलिस ने काबू किया है। तो ये इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं 18 मोटरसाइकिल्स जो बरामद की गई हैं इन 6 बाइक चोरों से, उनकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। जिनकी भी मोटरसाइकिल है वो भी पहचान कर सकते हैं इनकी। लाइव तस्वीरें इस समय आप CI1 शाखा से देख रहे हैं, जहां पर एक और बड़ी कामयाबी CI1 शाखा को मिली है, जहां 6 बाइक चोरों से 18 बाइक्स बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि ये लोग भी कुछ लोग यूपी के रहने वाले थे, कुछ असंध के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि नशे के तलब के चलते ये लोग बाइक चोरी कर उसे बेचकर अपने नशे की ज़रूरतें पूरी करते थे। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्प्लेंडर बाइक्स जो हैं देखी जाती हैं कि बाइक चोरी में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि स्प्लेंडर बाइक के कहा जाता है कि लॉक्स बहुत ज़्यादा वीक है, जिसके चलते आसानी से उसमें कोई भी चाबी लग जाती है। तो लोगों से हमारी ये अपील है, इस खबर को शेयर ज़रूर करें, ताकि एक तो जिनकी भी ये बाइक्स हैं कहीं ना कहीं उनको भी पहचान हो सके, और साथ ही साथ जो ये बढ़ती वारदातें हैं बाइक चोरी की उस पर कुछ हद तक ज़रूर रोक लग सके। और साथ ही साथ स्प्लेंडर बाइक ज़्यादातर देखा जाता है इस सब घटनाओं के, मतलब स्प्लेंडर बाइक ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उसका जो लॉक है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी शायद ऐसे थोड़े मजबूत लॉक्स बनाने चाहिए, जिससे इतनी आसानी से उसमें कोई भी चाबी ना लग सके। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं 18 बाइक जो बरामद की गई है 6 बाइक चोरों से। हम आपको बता दें कि ये बाइक चोर भी कहीं ना कहीं उम्र के ज़्यादा नहीं थे, और अपने नशे के तलब के चलते इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं यूथ इन्वॉल्व हो जाता है, और नशे की तलब के चलते उसको पूरा करने के लिए इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, बाइक चोरी में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए पाए जाते हैं यूथ है। वही इस बार 6 बाइक चोरों को पकड़ा गया, जिनमें से 5 की तस्वीरें अभी आपने देखी, और एक को कल ही जेल भेज दिया गया था। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं 18 मोटरसाइकिल्स जो बरामद की गई हैं 6 बाइक चोरों से। बताया जा रहा है कि उसमें से 2 यूपी के रहने वाले थे, 2 असंध साइड के रहने वाले थे, और 2 जो हैं वो करनाल के ही रहने वाले थे। और नशे कहीं ना कहीं ये सभी लोग नशे के इनको लत लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि इसमें से एक युवक ऐसा था जिसके पहले हालांकि कोई उसके ऊपर बाइक चोरी का ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं था, लेकिन वो नया इस ग्रुप में ऐड हुआ था। बाकी के जो 5 हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर पहले भी मुकदमे थे बाइक चोरी के ही। तो ये नशे के चलते जो लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो CI1 शाखा को बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर आज मिली है, जहाँ हम आपको दोबारा से बताना चाहेंगे 6 बाइक चोरों को जो पकड़ा गया है, जिनसे 18 बाइक्स बरामद की गई हैं, बहुत बड़ी कामयाबी उन्हें भी मिली। अब 6 बाइक चोरों को रिमांड पर ले लिया गया है, और कल उनको जेल भेज दिया जाएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।